वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आधार सेंटर खोलने के लिए कुछ आपको डिवाइस और आपको कुछ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है, जैसे अगर आपके पास लैपटॉप है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, फिंगरप्रिंट डिवाइस, आईरिस स्कैनर डिवाइस के साथ आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आपके पास आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट कैसे आपको बनवाना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ आपको गवर्नमेंट की एनओसी चाहिए, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको एनओसी रेडी करवाना है। आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका एग्जाम होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको आधार सेंटर आपके एरिया पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आधार सेंटर कैसे आपको मिलेगा। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी एजेंसी आपके एरिया पर आधार सेंटर प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई ब्राउजर ओपन करेंगे और ब्राउजर में आपको सर्च करना है UIDAI.gov.in या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा माई आधार। माई आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लोकेट एन इनरोलमेंट सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट वाइज मिल जाएगा पोस्टल पिन कोड या फिर सर्च बॉक्स, तो यहाँ स्टेट वाले ऑप्शन पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना इनरोलमेंट सेंटर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका स्टेट कौन सा है। ऐसे आप यहाँ पर स्क्रॉल भी कर सकते हैं अपने स्टेट को। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है आपकी तो चूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखा जाएगा तो इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और यहाँ लोकेट सेंटर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पर जितने भी सेंटर रहेंगे आपके सामने आ जाएंगे, जैसे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट तो आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको स्टेट बैंक मिल जाएगा। स्टेट बैंक अपनी ब्रांच में खुद ही रखता है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पंजाब नेशनल मिल जाएगा, ICICI बैंक। और भी यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यही एजेंसी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको एग्जाम देना होता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको आधार सेंटर निश्चित ही मिल जाता है। इसके साथ ही और भी आपको यहाँ पर स्टेट का सर्च करना है तो अपने स्टेट का आप अपने हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन बताऊंगा कैसे आपको करना होता है। तो आपको MPSEDC की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। MPSEDC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आपको सर्च करना है MPSEDC.MP.GOV.IN। ये आपको लिख के सर्च कर देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे आएंगे इस वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या आपके पास डिवाइस होनी चाहिए आधार सेंटर खोलने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आयरिस स्कैनर होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने सरकारी कार्यालय से बनवाना है। जहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपना खुद का आप घर में अपने नहीं खोल सकते हैं आधार सेंटर, आपको किसी न किसी सरकारी ऑफिस में खोलना पड़ेगा और उसी सरकारी ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही आधार ऑपरेटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए। आपके पास एक वेब कैमरा होना चाहिए। और इसके साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका एक और हो रहेगा वेरीफायर का। आपका जो वेरीफायर बनेगा उसका भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको MPSEDC की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको आधार मिल जाएगा। आधार वाले सेक्शन पर आपको जाना है तो यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आधार रजिस्ट्रेशन कैसे होगा यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। MPSEDC की ऑफिशियल साइट पर आना है आपको। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्या इनकी पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं।
अगर आपको स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही है या फिर एग्जाम आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो एग्जीक्यूटिव मिलेंगे आपको, गौरव और मिथिलेश करके दो एग्जीक्यूटिव मिलते हैं। इसके साथ ही मैनेजर मिलेंगे MIS और प्रोजेक्ट एसोसिएट्स। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। अब यहाँ पर आपको आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाएगा आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा और आपको आधार सेंटर एप्लीकेशन का डैशबोर्ड देखना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आधार सेंटर एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको डैशबोर्ड आ जाएगा कि अगर मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज में कि कितने सेंटर हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने अप्लाई हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज रनिंग सेंटर, तो यहाँ पर आप रनिंग सेंटर भी देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने रनिंग सेंटर हैं, MP ऑनलाइन से कितने रनिंग हैं, MPSC DC से ट्राइबल में, यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो देना है तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो वही मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है। पर यहाँ पर नोट भी बताया गया है, प्लीज़ इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड रहेगा वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख जाएगा तो यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है, वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाएगा आधार सेंटर रिक्वेस्ट का, तो आपको आधार सेंटर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ चेकलिस्ट मिल जाएगा, जैसे डू यू हैव NACT सर्टिफिकेट सुपरवाइजर का, यानी आधार ऑपरेटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इस पर आप टिक मार करेंगे और उसके बाद स्कैन कॉपी आप ई आधार कार्ड आपके पास आधार कार्ड की स्कैन कॉपी है इस पर आप टिक मार करेंगे। वेरीफायर का आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस पर भी आप टिक मार करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ भी आप सरकारी कार्यालय में अपना आधार सेंटर खोलेंगे उसका भी NOC आपको लगेगा, जो भी वहाँ के हेड रहेंगे उनका NOC आपको बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही नेटवर्क कनेक्शन आपका आपके आधार सेंटर पर अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर आपको अगर कोई भी फॉर्मेट डाउनलोड करना है, जैसे आपको सुपरविजन कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सुपरविजन कंसेंट फॉर्म आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको वेरीफायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वेरीफायर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। NOC आपको गवर्नमेंट प्रीलिम्स आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से गवर्नमेंट की आप NOC भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, इन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको अपने साथ प्रिंट करा के रख लेना है स्कैन करके। उसके बाद यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सुपरवाइजर का आपको डिटेल फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सुपरवाइजर का फुल नेम देना है, जिसके नाम से सुपरवाइजर यानी आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट रहेगा उसका यहाँ पर फुल नेम देंगे। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको जेंडर मिल जाएगा, जेंडर कौन सा है, उनके फादर का नाम आपको यहाँ पर डालना है, बगल में मिल जाएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका कितना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालेंगे, मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट ले लेगा। रेजिडेंस एड्रेस आप सुपरवाइजर का आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट ले लेगा। सुपरवाइजर का आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ ओपन कर देना है तो सुपरवाइजर का यहाँ पर फोटो आ जाएगा। बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनरोलमेंट सेंटर डिटेल आपको मिल जाएगा। एजेंसी यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आपकी एजेंसी कौन सी रहेगी, एजेंसी का टाइप DEGS आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एरिया टाइप आपको चूज कर लेना है कि आपको रूरल एरिया पर खोलना है या फिर अर्बन एरिया पर। बाद यहाँ पर ब्लॉक मिल जाएगा तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉक या फिर लोकलिटी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये रिफ्रेश होगा, उसके बाद नीचे आएंगे ग्राम पंचायत मिल जाएगा तो यहाँ पर आप ग्राम पंचायत चूज करेंगे, ऑफिस नेम यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा तो यहाँ पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालेंगे। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आप गूगल सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके एरिया का नाम रहेगा एरिया का नाम डालेंगे और यहाँ पर आप लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सर्च करेंगे। लेटीट्यूड एंड यहाँ पर आप लॉन्गिट्यूड सर्च करेंगे तो यहाँ पर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसी को यहाँ पर आपको फिल करना है। एन वाला आपका लेटीट्यूड है और ई वाला आपका लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पर आपको सेंटर का एड्रेस डालना होता है, जहाँ भी आप यहाँ पर आधार सेंटर खोलेंगे
उसका आपको यहाँ पर सेंटर डालना है। और नीचे आएंगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर डिटेल मिल जाएगा आपको, अंडर हुज सुपरविजन सुपरवाइजर विल वर्क, जो आपके सुपरविजन में आपका सुपरवाइजर बन के काम करेगा। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम डाल देना है, जैसे यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन डालेंगे सर रहेंगे, उनका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। नेम ऑफ वेरीफायर मिल जाएगा, जो भी आपका वेरीफायर का रहेगा उस वेरीफायर का आपको नाम डालना है। वेरीफायर का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफायर का डिटेल्स यानी डेजिग्नेशन आपको डालना है। यहाँ पर ये डिटेल्स जो आपको मिलता है ये आपको गवर्नमेंट ऑफिस से ही मिलेगा, जहाँ भी आप सरकारी कार्यालय में अपना आधार सेंटर डालेंगे वहाँ से ये डिटेल आपको ले लेनी है। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और PDF फॉर्मेट में, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे यहाँ पर 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यहाँ पर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट प्रीलिम्स सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन कर देना है। ओपन जैसे ही करेंगे यहाँ आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, सक्सेसफुली ओके कर देंगे। इसी तरीके से आपको वेरीफायर का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ ने आपने सर्टिफिकेट रखा है उसको आपको चूज करेंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनरोलमेंट एजेंसी कोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 0115 यहाँ पर रजिस्टर कोड आपको मिल जाएगा, MPSEDC का नेम मिल जाएगा, इनरोलमेंट एजेंसी कौन सी है आपकी यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगी, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद अगर आपको फ्यूचर में अभी अभी आपको ट्रैक करना है कि क्या आपका स्टेटस है, तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आएंगे MPSEDC के और यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपका नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफिकेट नंबर, आपका लोकेशन और यहाँ पर स्टेटस, ये वेरिफिकेशन के लिए स्टेटस पेंडिंग है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप स्लॉट बुक कर लेंगे और जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर रहेगा आप एग्जाम देंगे और आप क्वालिफाई होते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको आधार सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप MPSEDC के थ्रू आधार सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे MPSEDC में, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको MPSEDC के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर चीफ जनरल मैनेजर नोडल ऑफिसर का भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलता है, इनकी मेल आईडी मिलती है, मेल कर सकते हैं। यहाँ पर गौरव भार्गव हैं, यहाँ पर इनको आप कॉल कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव हैं। बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट मिलेंगे, मैनेजर मिलेंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, नीलेश 094। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आप तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।